और इस वक्त की बड़ी खबर हैदराबाद यूनिवर्सिटी से सामने आ रही है, जहां पर थाईलैंड की एक स्टूडेंट को छेड़ने वाला जो प्रोफेसर है वो उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रा को किताब देने के बहाने वो घर ले गया था, ये खबर निकलकर सामने आ रही है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को सस्पेंड भी कर दिया है। हैदराबाद डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी का प्रोफेसर है रवि रंजन, बताया जा रहा है छात्रों ने पुलिस में अब शिकायत भी दर्ज करवाई है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। छात्रों ने घटना के बाद इसके विरोध करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यूनिवर्सिटी ट्रिब्यूनल ने मामले को दबाने की कोशिश की है, ये छात्रों की तरफ से यहां पर जो आरोप है वो लगाया जा रहा है। प्रोफेसर की गिरफ्तारी और सस्पेंशन के बाद प्रदर्शन हुए बंद, यहां पर ये खबर निकलकर सामने आ रही है। अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता शेखर जी की ओर, और बताते हैं, वो बताएंगे कि किस तरीके से ये क्या पूरा मामला है। सर, क्या ये पूरा मामला है और किस तरीके से ये जो विरोध है वो यहां पर हो रहा है? जी बिल्कुल चेतन, मामला बेहद गंभीर है। यहाँ पर लड़की जो है उसको, वो प्रोफेसर के साथ उसके घर प्रोफेसर उसको लेके गया, और उसके बाद रात के 9 बजे बताया जा रहा है प्रोफेसर ने वापस यूनिवर्सिटी में लड़की को छोड़ दिया। लड़की जो है जब यूनिवर्सिटी में अपने दोस्तों के पास गई तो दोस्तों को शुरुआत में तो थोड़ा सा पहले शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन जब इसके बाद लड़की फूट फूट कर रोने लगी तब जाकर मामले की बात जो है पूरा मामला जो है वो सामने आया। लड़की ने खुलकर बताया कि किस तरीके से प्रोफेसर ने उसे घर ले जाकर सेक्सुअली असॉल्ट किया है। इसके बाद जो दोस्त हैं उन्होंने लड़की को न्याय दिलाने के लिए FIR जो है वो दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता गया और बात जो है वो स्टूडेंट यूनियन तक पहुंची, और स्टूडेंट यूनियन जब इसमें शामिल हुआ और उन्होंने कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन था उनसे संपर्क करने की कोशिश की। रजिस्ट्रार को बताया जा रहा है कि रात भर फ़ोन किया गया, रजिस्ट्रार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया और उसने फ़ोन नहीं उठाया, जिसके बाद जो छात्र यूनियन थी उनके पास कोई और विकल्प जो है यहाँ पर नहीं बचा था, और परेशान होने के बाद इन्होंने आखिरकार फैसला किया कि अब प्रोटेस्ट ही इकलौता रास्ता है। छात्रों ने जब इस पर जमकर प्रोटेस्ट किया तब जाकर कहीं जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन था उसकी नींद टूटी, और तब उन्होंने जाकर प्रोफेसर के खिलाफ, जो आरोपी प्रोफेसर है उसके खिलाफ एक्शन की तैयारी शुरू की। और अब जाकर ये माना जा रहा है कि अब आगे इस पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है उस पर नज़र है कि जल्द से जल्द लड़की को न्याय मिले। हालांकि इसमें एक गौर करने वाली बात ये भी है चेतन कि जो लड़की थी वो थाई थी, थाईलैंड की लड़की है, उसको जो भाषा है वो भी थाई भाषा ही आती थी, जिस वजह से पूरा जो पूरा मामला है उसमें कम्युनिकेशन की भी काफ़ी दिक्कतें सामने आई। लेकिन फिलहाल अब इंतज़ार है कि पुलिस इस पर कैसे कार्रवाई करती है। हालांकि इसमें जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी का जो रवैया है यहाँ पर उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पहले कोशिश यही की जाती रही जो आरोप लग रहे हैं उसके मुताबिक कि वो प्रोफेसर को बचाना चाहते थे, और शुरुआत में जिस तरह की तत्परता यहाँ पर लड़की को लेकर लड़की के आरोपों पर दिखाई जानी चाहिए थी, उस तरह की तत्परता जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दिखाई गई। जी चेतन, ठीक है, बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरा मामला है जहां पर जो हिंदी के प्रोफेसर रवि रंजन है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोप है कि उन्होंने थाईलैंड की एक जो स्टूडेंट है उसको किताब देने के बहाने घर ले गए और उसके बाद यहां पर जो है छेड़छाड़ की, और ये मामला पूरा निकलकर सामने आ रहा है। VK News, राष्ट्र के नाम।